आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी काफी सारे सम्माननीय सदस्यों ने मेरे कुलीग श्री जयशंकर जी के द्वारा जो विदेशों के संदर्भ में कोरोना वायरस आउटब्रेक की परिस्थिति जो भारत में भी है उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से और विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की दृष्टि से उन्होंने विस्तृत जानकारी अभी सबको दी है। अभी जो उनके सामने प्रश्न रखे गए हैं उनमें मैं समझता हूं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर मैं आपको दूंगा तो आप सबकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम और ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो सब आपके लिए जानना भी आवश्यक है। नहीं तो सर, अभी जो यहां पर कई लोगों ने ऐसा एप्रिहेंशन व्यक्त किया कि अगर कोई केस कहीं पर पॉजिटिव टेस्ट होकर आया है तो इसका मतलब है कि उसकी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं हुई और विशेषकर ये कोची के संदर्भ में बात कही गई। तो पहली बात तो मैं ये आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब भी कोई पेशेंट बाहर से आता है, पेशेंट यानी पैसेंजर बाहर से आता है, तो एक काम वो करता है कि वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डुप्लीकेट में फॉर्म भरता है, चाहे वो हवाई जहाज के अंदर भरता है या वो एयरपोर्ट पे आके नीचे आके भरता है। उसके बाद उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसके सिम्टम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, चाहे वो अस्पताल के अंदर किया जाए चाहे दूसरे सिस्टम के अंदर। लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है और जो हमारा दिल्ली में एनसीडीसी है वहां पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देश भर के उनका कंप्यूटराइज डाटा आता है, उस डाटा को सेपरेट करके जिनके ऊपर जरा सा भी डाउट होता है कि दे कैन, बिकॉज इसमें सबसे बड़ी समझने की चीज है कि आज अगर मुझे कोई भी सिम्टम नहीं है, आज थर्मल स्क्रीनिंग में भी मैं नेगेटिव हूं, तो भी संभावना है कि 14 दिन के अंदर अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड के बीच में हूं तो मैं कभी भी सिम्टम डेवलप कर सकता हूं। इसलिए जिसके संदर्भ में कोई भी डाउट होता है उन सारे लोगों की डिटेल्ड जानकारियां देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाई जाती हैं। और इस समय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे हर समय 30,000 से 35,000 लोग देश में हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस में है जिनके ऊपर उनके एक एक मूवमेंट के ऊपर वॉच किया जा रहा है। यानी ये जो आपको पॉजिटिव केसेस मान लीजिए कोची से निकल के गया और वो 4 दिन बाद पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई स्क्रीनिंग को छोड़कर चला गया वहां पे। इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी सर्वेलेंस इतना स्ट्रांग था कि उसको 4 दिन के बाद भी पॉजिटिव करके हमने आइसोलेट कर लिया गया। इस संदर्भ में मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि केरल सरकार ने जब पहले 3 केसेस आए उसमें सारी हमने हर विषय के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस वी आर शेयरिंग विद ऑल द स्टेट्स डेली डेली वी आर टॉकिंग टू ऑल द हेल्थ सेक्रेटरीज, वी आर इन टच विद ऑल द मिनिस्टर्स आइदर ऑन द टेलीफोन और थ्रू ऑल पॉसिबल मीन्स, और रोज शाम को हमको हर स्टेट से डिटेल्ड उनकी दिन भर की हेल्थ रिपोर्ट आती है जिसमें इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर वो हम लोगों को डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये जो पॉजिटिव केसेस और इन एक एक पॉजिटिव केस का फर्दर उनके डिटेल्ड कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जाती है, एक एक केस के 162 तक 250 तक 150 तक इतने कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको भी फर्दर टेस्ट करके उसमें से भी कोई भी जो भी उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसलिए ये आप में से किसी को भी गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि स्क्रीनिंग में कोई लैप्स है। मैंने स्वयं दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाके 3 घंटा लगा के उसका एक एक जब 4 फ्लाइट भी एक साथ आ जाए तब भी क्या कोई मिस होने की संभावना है उसको भी हमने पूरा डिटेल में असेस किया है।
और खाली स्क्रीनिंग में अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है पॉजिटिव जो है दो दिन के बाद नहीं हो सकता। ये हमारे जो पहले 7 एयरपोर्ट हमने 17 जनवरी को जिनके ऊपर स्क्रीनिंग शुरू की थी उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोची इज अमंग्स द फर्स्ट 7। टुडे वी आर डूइंग इट ऑन 30 एयरपोर्ट्स और 30 एयरपोर्ट्स पे अभी हम सारे दुनिया की फ्लाइट्स के बारे में कर रहे हैं। इसलिए स्क्रीनिंग के संदर्भ में आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए। दूसरा, लैब्स के बारे में कहा गया, हमने हमारी जो एक सेंट्रल रेफरेंस लैब है दैट इज द नेशनल वायरोलॉजी लैब इन पुणे, इसके बाद वी हैड स्टार्टेड विद 15 लैब्स क्योंकि ये एक रूटीन टेस्ट नहीं है। ये कोरोना वायरस का भी, ये 7वां कोरोना वायरस आया उसका भी एक पर्टिकुलर जो है एक स्ट्रेन है, ये समझ लीजिए जिसको COVID-19 नाम दिया है। तो हर एक लेबोरेटरी में ये टेस्ट नहीं हो सकता, इसका जो कंट्रोल है दैट हैज टू बी गिवन एंड द रिलेटेड रीजेंट्स एंड एवरीथिंग, उसके सारी चीजें, उसकी मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, बट इवन नाउ इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग सच ए बिग टास्क, हमारे इस समय देश में 51 लेबोरेटरीज और 56 जगह पर जो है कलेक्शन सेंटर्स, यानी मोर देन 100 प्लेसेस पर हमारी ये एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है। वी वेंट अप टू द एक्सटेंट कि जब ईरान गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो वहां पर लोग हैं उनको टेस्ट वगैरह करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, दे कांट हेल्प अस ऑन अकाउंट ऑफ दैट इशू, हमने यहां से अपने वैज्ञानिक भेजे, हमने यहां से अपनी पूरी की पूरी लैब, विच इज नॉट ए सिंपल थिंग बट यू कैन से इट द वेट ऑफ द होल लैब इज इन टन्स, वो सारा का सारा वहां भेजा और अपने वहां कोशिश किया कि कस्टम से क्लियरेंस करके हम लैब को एस्टैब्लिश वहां पर कर दें और बाद में उस लैब को ईरान को ही डोनेट कर दें। अभी वो कस्टम से क्लियरेंस वगैरह का प्रोसेस जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, बट वेन वी सॉ दैट देर वॉज अ डिले इन दैट वी डिवाइज एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसमें वहां से हमारे वैज्ञानिक वहां के लोगों का सैंपल जो है कोल्ड चेन को मेंटेन करके जो उनका थ्रोट का स्वैब है उसको यहां लेके आते हैं, यहां से हम उसको टेस्ट करते हैं और जिनके नेगेटिव्स आ रहे हैं उन नेगेटिव्स को हम जो है वापस जो है पैसेंजर्स को यहां पर वापस ला रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें थोड़ा सा एक आई कैन अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ दोज पीपल, एवरी MP जिसको कि कोई भी संपर्क कर रहा है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि भारत में बिना साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज को पूरा किए किसी को ऐसे हवाई जहाज में बिठा के वहां से नहीं लाया जा सकता। हम वुहान से, चाइना से जो हब है जहां से सारे दुनिया में इन्फेक्शन शुरू हुआ है, वहां से भी हम 645 भारतीयों को और 7 मालदीवियंस को सबसे पहले लेके आए पूरी दुनिया के अंदर, और इसके बाद दोबारा से हम वुहान से जो है लोगों को लेके आए 112 लोगों को, और उसके बाद हम जापान की जो शिप थी उसके ऊपर स्टैंडर्ड लोग थे उनको जापान से लेके आए। फिर ईरान के अंदर ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई तो ईरान में हमने ये स्ट्रैटेजी बनाकर ईरान से हमने लाना शुरू किया, जिसके बारे में अभी मेरे कुलीग ने अपने विस्तार से, और अभी जब ईरान के अंदर जो है ये सॉरी इसमें इटली के अंदर जब प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट्स एंड ऑल दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ हेल्पलेस, और इटली में भी इतने ज्यादा जोर शोर से ये जो इन्फेक्शन है स्प्रेड हो रहा है, तो इटली में भी हम उसी प्रोसेस से हम उनके सैंपल्स को यहाँ ला रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करने वाले हैं, हम यहाँ से सारा हमने लैब का सामान वहाँ पर भेजा है। तो आप सबका हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं कि जो इसमें कोई सरकार इस प्रकार का रिस्क इसलिए इसकी सरकार इस प्रकार का लेट मी कंप्लीट व्हेन यू वर टॉकिंग आई डिड नॉट इंटरफेयर। तो आप सब इस बारे में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोटोकॉल्स की दृष्टि से आवश्यक है वो सब कुछ पूरा करके भारत में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का रिस्क ना देते हुए और उन सब अपने भारतीयों को सेफली वापस लाना उसकी हमारी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। सारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम लोग डे टू डे बेसिस पर, यू कैन से आवरली बेसिस पर, वर्चुअली वी आर इन टच, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर चीज शेयर हो रही है एक दूसरे के साथ। अभी 2 दिन पहले मैंने सारे हेल्थ मिनिस्टर से 1-to-1 बात किया, इवन अपने जो वीडियो कॉल करके कई पेशेंट्स के साथ भी जो अस्पतालों में एडमिट हैं उनके साथ भी बातचीत किया। तो आई हैव टू टेल यू कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, वी नीड योर कोऑपरेशन, और हम ये भी चाहते हैं कि आप सबकी मदद से आपके क्षेत्रों में
जहां कहीं भी गैदरिंग्स वगैरह हो रही हैं उनको आप अगर डिस्करेज करेंगे, अपना एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आप देंगे। अभी हेल्पलाइन के बारे में कहा गया, हमारी हेल्पलाइन पे इंटरनेशनल भी बहुत सारी कॉल्स आ रही है, उस हेल्पलाइन का नंबर हम जो आपको मैसेज टेलीफोन में दे रहे हैं उसमें हेल्पलाइन का नंबर भी है, उसके साथ बहुत सारी डेडिकेटेड लाइन्स हैं। तो और ऐसे ही स्टेट्स ने भी अपने अपने हेल्पलाइंस वगैरह बना रखे हैं, तो आप सब अगर कोऑपरेट करेंगे तो आई एम श्योर। अभी 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 शामिल करने के लिए एक और दो घंटे मंत्री जी का सुनना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को अच्छी तरह से एजुकेट करने का मूवमेंट क्रिएट करना है, बिकॉज आपको जबरदस्ती कोरोना वायरस नहीं नुकसान पहुंचा सकता। अगर आपने अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म समझ लिया तो और उसको एजुकेट लोगों को कर दिया तो आप निश्चित इमेजर आपको प्रोटेक्ट करने का प्राइस क्या है? अगर थर्मल इमेजर बहुत ज्यादा महंगा नहीं, एक पार्लियामेंट में तो लगवा दीजिए। ईरान में 23 एमपी कोरोना वायरस से स्वस्थ हो गए हैं, तो कम से कम एमपी को तो यहाँ अगर आप थर्मल इमेज देखिए। धन्यवाद। जितने संबंधित स्थान है वहाँ पे एजुकेशन के जितने टूल्स हैं, अखबार से लेकर और रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, टेलीफोन, सब माननीय मैकेनिज्म, धन्यवाद। सबसे बड़ा मैकेनिज्म आप है, आप लोग भी जो है इस मैसेज को डिसेमिनेट करिए। आपको